हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द इंडियन सोल। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये पूरा मेकअप लुक। सो मैंने ब्लैक साड़ी वेयर की है, ये ब्लैक साड़ी मेकअप लुक है। आपके पास भी अगर ब्लैक साड़ी है तो इसको किस तरीके से स्टाइल करें, इसी के बारे में ये वीडियो है। और मैंने ब्लैक साड़ी के साथ पेयर किया हुआ है ये ऑक्सीडाइज्ड नेकलेस, एंड ये मंगलसूत्र जो मैंने पहना है ये भी ऑक्सीडाइज्ड में ही है। और मैंने आई मेकअप में किया है ये सिल्वर मेकअप, सिल्वर लुक दिया है मैंने आई मेकअप में। और बाकी सब कुछ आप वीडियो में आगे देखिए। और ये वीडियो मैंने बनाया है इन कोलैबोरेशन विथ हैप्पी कुड़ी। हैप्पी कुड़ी ये इनका चैनल नेम है, बहुत प्यारी है और इतने सुंदर मेकअप वीडियोस वो बनाती है, मेकअप लुक शेयर करती है और प्रोडक्ट रिव्यूज़ भी शेयर करती है। मैंने उनके साथ पिछले साल भी एक कोलैबोरेशन में वीडियो बनाया था, तो मेरा वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर हैप्पी कुड़ी चैनल चेकआउट कीजिए और उनका भी वीडियो देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने फेस वॉश कर लिया है, देन मैं यूज़ कर रही हूँ NY बे का प्राइमर। ये प्राइमर मुझे काफ़ी पसंद है, आपने देखा होगा मैं कई सारी वीडियोस में प्राइमर यूज़ करती हूँ। और मेकअप से पहले आपको प्राइमर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके ओपन पोर्स मिनिमाइज़ करता है, प्लस मेकअप प्रोडक्ट्स को भी स्किन के अंदर जाने से प्रिवेंट करता है। सो अच्छी तरह से पूरे फेस पर, नेक पर आपको प्राइमर अप्लाई कर लेना है। देन मैंने लिया है NY बे का ही कंसीलर टू कंसील माय डार्क सर्कल्स। सो जो भी अनइवननेस या अनइवन स्किन टोन होगा या दाग धब्बे होंगे वो आप कंसीलर से कंसील कर सकते हैं। सो इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, मैं हाथ से ही कर रही हूँ क्योंकि अंडर आई एरिया है, इसलिए मैं फिंगर से ही करना प्रेफर करती हूँ। आप चाहे तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं अपर आईलिड पर भी सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर आई शेडो प्राइमर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। देन मैं यूज़ कर रही हूँ फिट मी फाउंडेशन और ये मैं अच्छे से मेरे फेस पर डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी। और देन इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। फाउंडेशन खरीदते टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि फाउंडेशन का शेड आपकी स्किन शेड से मैच होना चाहिए या फिर एक आधा टोन लाइटर चलेगा। इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, मैं हाथ से ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ। देन मैं यूज़ कर रही हूँ लूज पाउडर, इनसाइड ब्रांड से है, काफ़ी अच्छी है। इसको मैं ब्रश से अच्छी तरीके से अप्लाई कर रही हूँ पूरे फेस पर और नेक पर। देन मैं आई मेकअप कर रही हूँ, सो मैंने ये पिंक कलर चूज़ किया है। और ये जो आई शेडो पैलेट है इसमें आपको बहुत सारे शेड मिल जाएंगे। ये मैंने मेरे अमेज़ॉन हॉल में शेयर किया है, अमेज़ॉन से ख़रीदा हुआ है। और आप इसका पिगमेंटेशन देखिए, काफ़ी अच्छा है और लगभग 250-300 का ये आई शेडो पैलेट है। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, बिगिनर है मेकअप में, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। देन ये है, ये लूज़ पिगमेंट है सिल्वर कलर की, ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही परचेज़ किए हैं। और ये हालांकि मैं अभी फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, एंड इसको अप्लाई करने के बाद आपने मेरा रिएक्शन देखा, वाओ, क्योंकि ये सच में काफ़ी पिगमेंटेड है, लूज़ पिगमेंट्स है तो वो काफ़ी पिगमेंटेड होते हैं। और मैंने इनर कॉर्नर पे ये अप्लाई कर लिया है। मैं ब्लैक साड़ी मेकअप लुक कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने सारी ज्वेलरी जो है वो सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड पहनी है, इसलिए मैंने आई मेकअप भी इसी तरीके से किया कि मैंने सिल्वर कलर का यूज़ किया। और इनर कॉर्नर में ही मैंने ये सिल्वर कलर अप्लाई कर लिया और फिर जो पिंक और सिल्वर है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया ताकि कोई हार्श लाइन या फिर दो अलग अलग कलर ना दिखें। हालाँकि ये क्लिप मुझसे मिस हो गई जहाँ पर मैंने काजल और आईलाइनर लगा लिया, बट ठीक है। देन मैंने यहाँ पर ब्लशर अप्लाई किया है, यह स्विस ब्यूटी का मेरे पास पैलेट है और इसी में हाइलाइटर भी है जो कि मैंने अप्लाई कर लिया। हाइलाइटर आप ज़रूर यूज़ करिए, टोटल फिनिश्ड लुक आता है मेकअप में और बहुत अच्छा लगता है। देन मैंने यहाँ पर जस्ट हर्ब ब्रांड का मेरे पास लिपस्टिक है, ये नेचुरल लिपस्टिक है, इसमें कोई हार्श केमिकल नहीं है, सो मैं इसको प्रेफर करती हूँ। देन मेरे पास ये मंगलसूत्र है जो ऑक्सीडाइज्ड में है। देन ये चोकर मैंने पहन लिया, घुंघरू वाला चोकर है ऑक्सीडाइज्ड में। इसकी इयररिंग्स काफ़ी प्रिटी है और पूरा लुक चेंज कर देती है। सो मैंने
ये वाली इयररिंग्स पहनी, और ब्लैक साड़ी के साथ सिल्वर ज्वेलरी का अगर आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो हमेशा हिट कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे मैंने सिल्वर की ज्वेलरी बैंगल्स भी पहन ली, बिंदी लगा ली, एंड नोज पिन मेरे पास है सिल्वर की, सो मैंने वो भी पहन ली। एंड दिस इज़ द ओवरऑल लुक, आई होप आपको पसंद आया होगा। हैप्पी कुड़ी का भी वीडियो ज़रूर जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।